इवनिंग, बज रहा है 7:30, ये ऑफिस आए और उनका ऑफिस का कहानी लंबा चौड़ा सुना रहे थे, मैं वो हंस रही थी। छोड़िए वो बात, आज बनाऊंगी मैं पालक पनीर, इसलिए आज इवनिंग को मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वो रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। तब बनाती, ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको आने मैं बोला जब तुम आओगे तब भी बनाऊंगी। और ये जल्दी भी निकल गए थे, आ भी गए जल्दी। और सच बताऊं, मैं रहता हूं तो हेल्प हो जाता है ना इनको। नहीं नहीं, मैं सारा चीज करती हूँ, ठीक है, तुम रहते तो क्या हेल्प हो जाता है। अभी तो मैंने कट किया सब कुछ। क्या कट किया? प्याज, एक प्याज और एक टमाटर का प्यूरी बनाने में कट किया। मैं सुबह पनीर बनाई, वो पालक का पूरा प्यूरी बना के रखी हूँ मैं, मैं ब्लॉग में देखी हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। इन्होंने आकर एक प्याज वो भी फुटेज लेने के लिए कट कर दू, पर मैं उस टाइम कैमरा ही ऑन नहीं किया। ऐसा है क्या? वो सोच रहे कैमरा ऑन है क्योंकि टाइपर उधर था, वो सोच रहे को कैमरा ऑन है, वो अच्छे से कट चॉपिंग कर रहे थे, टमाटर प्यूरी बना रहे थे, पर मैं उस टाइम कैमरा ही ऑन नहीं किया था। तो कल से कटिंग चॉपिंग सब तुम? हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। तो फुटेज लेने के लिए आ जाते। और जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मैं बना के भी रख दिया था, सिर्फ एक एक इतना बड़ा प्याज और एक टमाटर का प्यूरी उन्होंने बनाया। जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मैं बनाया था, एक कुछ दिन मैं बनाया था ना। हाँ मैं बनाया था। हाँ वो करंट ग्राइंडिंग पीछे का वीडियो। चलो मैं तो तुम्हें मैं मत करो किचन में चाहती। पीछे का वीडियो देखिए कौन बनाया पता चलेगा। नहीं उस दिन करंट चला गया था ना, नहीं तो मैं बनाने के लिए जा रही थी, करंट चला गया तो मैं बना नहीं पाई, बिजी होगी। उस दिन तो मैं बच गया था। सही बोले। अभी चलिए तुम्हें मैं ज्यादा हो गया, अभी खाना बनाने के लिए चलेंगे। 7:30 हो रहा है, आज बनेगा डिनर में पालक पनीर विथ पराठा। नान बनाने के लिए बोले थे बटर नान, पर मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैदा भी नहीं है, अब नहीं बनाऊंगी, वो बहुत झंझट है, पराठा ही बना लूंगी, खा लो। चलो फिर एक दिन बनाएंगे नान। आज ये दोनों को मैं यहाँ पे ही बिठा लिया क्योंकि वो रूम पे जाते है तो पढ़ाई नहीं करते, इसलिए। और उनका बुक भी मिल गया है तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ये देखिए बाबू, बाबू से हाय। बाबू गुस्से से बैठा है, पढ़ाई करने के लिए बोल रही हूँ ना इसलिए। गुस्सा बाबू नहीं, गुड बाय। फिर हम चलते हैं किचन में। चलिए, और मैं किचन में अभी आ गई हूँ बनाने के लिए पालक पनीर, पालक पनीर का रेसिपी। और ये मेरे पीछे कौन खड़ा है देखिए, आए फुटेज। ये बिग बॉस शो, अभी तो कब ऐसे ना इतना झुका झुक झुक के बात करना पड़ा है क्योंकि मैं सेटिंग ऐसे करती हूँ क्योंकि मेरा फोकस खाने पे अब आएगा, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते, खाने पे फोकस डालते। ये तुम्हें बात करने का स्टार्ट कर दिया तो बड़बड़ बड़बड़ करते रहोगी, इसलिए पहले देख लेते पालक पनीर का रेसिपी, उसके बाद बात करेंगे। चलिए अब ये पालक पनीर बनाने के लिए मुझे चाहिए, ये पालक को मैं बॉईल करके ग्राइंडिंग कर दिया था, और एक प्याज, टमाटर प्यूरी, एक टमाटर का मैं प्यूरी ली हूँ, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और क्यूमिन सीड का पेस्ट बना लिया था मैं, एक चम्मच ही चाहिए, ज्यादा हम लोग मसाला नहीं बनाएंगे। और ये पनीर और बटर, हम बटर में बनाएंगे, थोड़ा सा ऑयल देंगे पर बटर भी चाहिए, थोड़ा सा बस हल्दी, नमक, चिल्ली पाउडर, कटा हुआ ग्रीन चिली और क्यूमिन सीड्स, बस इतना ही आइटम चाहिए। सिंपल सा बनाएंगे पालक पनीर, ज्यादा मसाला नहीं बनाएंगे, तो ज्यादा मसाला देंगे तो पालक और पनीर का जो नेचुरल टेस्ट है वो चला जाएगा, इसलिए हम लोग इतना ही मसाला में बनाएंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं पालक पनीर। कढ़ाई में मैं एक टेबल स्पून ऑयल गरम कर दिया था और गरम हो गया है तेल, अब हम इसमें डालेंगे ये बटर। बटर डाल के अब इसमें मैं ये जीरा का तड़का लगा दूं। जीरा थोड़ा चटकल होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी ये कटा हुआ हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करेंगे। बस अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट एक टेबलस्पून मैं डाल दूंगी इसके अंदर, ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे।
थोड़ा मैं इसमें ये हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये प्याज डालूंगी। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी प्याज भुनने के लिए। पूरा अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज को, भुनेंगे। इस बीच में मैं ये पनीर को भी कट कर लेती हूँ। और ये पनीर भी मैं घर पे बनाया था, आपको अगर देखना है तो वो पिछले ब्लॉग में मेरे देखिए। और अभी मैं पनीर को भी कट कर दूंगी। इस बीच में पनीर का कोई भी शेप दे सकते हो। मैं थोड़ा आज ऐसे थोड़ा स्टाइल में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे बहुत दिन हो गया रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाए, तो थोड़ा उनको रेस्टोरेंट का फील आना है इसलिए। अब मैं इसमें ये टमाटर प्यूरी डाल दूंगी। अब इसमें चिली पाउडर और नमक दोनों चीज डाल के फिर अच्छे से भूनेंगे। प्याज भुनना हो गया। अब हम इसमें ये जो पालक को बॉईल करके रखे थे ग्राइंडिंग करके, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा ही चला लेंगे। और पालक को हम ऑलरेडी बॉईल कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद पनीर डाल के बस गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ी देर भुनेंगे और ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ये पनीर डाल दूंगी। ये घर का बना हुआ पनीर है, इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। और मलाई पनीर जैसे टेस्ट आता है इसका। कोई कोई फ्राई करके डालते हैं पनीर को, पर पालक पनीर में ऐसे कच्चा ही डालिए, वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद हम बंद कर देंगे गैस। रेडी हो गया हमारा पालक पनीर। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में ऐसे ही रखूंगी, फिर सर्विंग बाद में मैं ट्रांसफर करूंगी। अब मैं इसको बाउल में निकाल दूंगी। कितना अच्छा कलर आया है। और अब ये बन के रेडी हो गया है मेरा पालक पनीर। आप जरूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही न्यू रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं मेरी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। खाके देखो कैसा लग रहा है पालक पनीर।